खत्तियां लागू करो। हमारी भाषा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमारी राजधानी विधायक विकास मुंडा, होश में आओ, होश में आओ। हम लोग तमाड़ से जा रहे थे, कुछ आंदोलनकारी भाई, तो यहाँ पर हम लोग को रोक दिया गया प्रशासन के माध्यम से और यहाँ से जाने नहीं दिया। तो फिर हम लोग इसी जगह धरने पर बैठ गए हैं, लेकिन मैं इसी धरने या इस मंच से सरकार से आगाह करना चाहता हूँ कि अगर यही तनाशाही रही जो एक शांतिपूर्ण ढंग से विधानसभा घेराव की ओर हम लोग जा रहे थे, लेकिन आज रांची से लगभग 70 किलोमीटर पहले ही हम लोग को रोक दिया गया। आज पूरे झारखंड में इसी प्रकार का हर कोने से जो लोग भी आ रहे हैं उनको अपने अपने ये में ही रोक दिया जा रहा है। तो मैं सरकार से ये कहना चाहूँगा कि भाई जो हमारी मांग है, न्याय उचित मांग है, नीति संगत मांग है, संवैधानिक मांग है, तो इस प्रकार से जो तनाशाही करके हमारी मांग को जो ये की जा रही है, दबाने की कोशिश की जा रही है, ये कब तक चलेगी? ठीक है, आज विधानसभा सत्र है, विधानसभा सत्र के ये में आप विधानसभा के अंदर हैं, लेकिन कल के दिन में जब विधानसभा सत्र खत्म होगा तो तमाम 81 विधायक, झारखंड के 81 विधायक अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में आएंगे और कहीं ना कहीं कुछ न कुछ क्षेत्र में घुसने का प्रयास करेंगे, या तो शिलान्यास के बहाने या किसी भी बहाने अपने अपने क्षेत्र में आएंगे। लेकिन अब चेत जाए, झारखंडी जुआ अब जाग चुका है, उन लोग अब 81 के 81 विधायक को अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में न तो शिलान्यास करने देंगे, न किसी क्षेत्र में घुसने देंगे। ये काम अब हम लोग करेंगे, क्योंकि अभी तक झारखंड के जितने भी विधायक हैं, जो भी झारखंडी विधायक हैं, इन लोगों ने अभी तक हमारी जो मांगे हैं, विभिन्न जगह से जो उलगुलान हो रही है इसी विषय को लेकर के, अभी तक कोई भी विधायक विधानसभा सत्र के ये में आ सदन में रखने का काम नहीं किया, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। अब हम लोग किसी को नहीं ये करेंगे और आने वाले दिन ये सचेत हो जाए कि अब जनता की जो मांग है, जनता की जो आवाज़ है, अब क्षेत्र में आकर के उसका मुकाबला करने के लिए भी उन लोग अपना ताकत बना के आए, नहीं तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी और भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। तो मैं इसी धरना के मन से आगाह कर देना चाहता हूं कि ये तनाशाही हेमंत सोरेन की नहीं चलेगी। अब हम लोग जाग चुके हैं, घर घर का जुआ जाग चुका है, अब ये तनाशाही नहीं चलेगी। जो चीज़ उन्होंने वादा किया था, अगर ये वादा पूरा नहीं किया तो इसका सरकार जाना निश्चित तय है। और जो भी विधायक हैं, चाहे पक्ष के विधायक हों चाहे विपक्ष के विधायक हों, ये भी अब जान लें कि उसका विधायिका अब रहने वाला नहीं है। ये मत सोचें कि कल हम नोट के सहारे वोट लेंगे और फिर विधायक चुन के विधानसभा में आएंगे। ये आशा जो है, ये उम्मीद जो कर रहे हैं ना, ये उम्मीद अब अपने दिमाग से हटा ले कि अब दोबारा विधानसभा नहीं घुस सकता है। ये तमाम विधायक को चेतावनी दिया जा रहा है, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। तो साथी, आज हम लोग जो भी हम लोग आंदोलनकारी साथी हैं जा रहे थे, यहाँ पर रोका गया है। ये हेमंत सरकार की तानाशाही है, इसको अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाले आगामी दिन 25 तारीख के बाद एक रणनीति तय होगी, उसके बाद हम लोग अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में अपने अपने विधायक को घर से निकलने के लिए मुश्किल कर देंगे। ये रणनीति बनेगी। बस मैं इस धरना के माध्यम से मैं इतना ही, आज जो हमारे जो भी विधायकगण वहाँ सदन में हैं, अगर इस चैनल के माध्यम में जान रहे हैं तो सुन ले, अभी भी मौका है, अभी भी समय है, अभी भी चेत जाएं, अभी 2-3 दिन समय है। अगर वास्तव में लाश शर्म कुछ है और झारखंड के माटी का बेटा का बेटी हो तो अपनी आवाज़ को बुलंद करो सदन के अंदर, नहीं तो कल के दिन में बोबा जैसा रहना होगा अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में। अगर वास्तव में अगर मुंह है तो मुंह खोलो, अगर मुंह है तो मुंह खोलो, न कल के दिन में अपना विधानसभा क्षेत्र में घुसने नहीं दिया जाएगा। जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड। हेमंत सोरेन, होश में आओ, होश में आओ। हेमंत सोरेन, होश में आओ, हेमंत सोरेन, होश में आओ, होश में आओ। खत्तियान लागू करो, खत्तियान लागू करो, हमारी भाषा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमारी भाषा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जय झारखंड, जय झारखंड। स्थानीय विधायक विकास मुंडा, होश में आओ, होश में आओ। स्थानीय
विधायक विकास मुंडा होश में आओ, जय झारखंड, जय झारखंड। जितना भी आंदोलनकारियों को सरकार और प्रशासन के लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं शांतिपूर्ण आंदोलन को, इस टाइप का अशांतिपूर्वक आंदोलन को चलने दें और आंदोलन की रोकने की कोशिश नहीं करें, नहीं तो 25 तारीख के बाद सरकार को पता चल जाएगा कि 24 जिले में किस टाइप की आंदोलन में भारी पड़ेगी आपको। विधानसभा घेराव था, तो हम लोग को घेराव करने के लिए हम लोग सुनते थे, जितना आप देख रहे हैं सर, तो ये गाड़ी चौक है, हम लोग को प्रशासन के द्वारा रोक के रखा गया, जाने का अनुमति नहीं मिला। आज हम लोग यहीं से संकल्प ना करते हैं, हमारे सामने विधान का आवाज़ करते हैं, जब तक इस पर विश्वास नहीं होता तब तक हम लोग का गाँव गाँव जाकर हम लोग जन जागरण करेंगे, जो आगे की जो रणनीति होगी। हमरे के दड़िया मोड़ मैंने रोकल गल प्रशासन पटवार, मैं कह चाहूँ हमारे मुख्यमंत्री के कि हमरे हेटा खातिर वोट दे रही, हमरे के काहे रोकल गलत यहाँ, हमरे जात रही आ शांतिपूर्ण हमरे के प्रदर्शन रहे विधानसभा मने विधानसभा घेरे को शांतिपूर्ण प्रदर्शन रहे हमरे को, लेकिन उस चीज़ से हमरे करे काहे नहीं देर जाते, मैंने इटा मैंने एकदम डराए जा है, कहत कहन ला कि जब जब युवा बोला है राज सिंहासन टोला है और राज सिंहासन टोल गल तब एनिए हमरे के राति का नहीं दिलन तो मन ही हमरे के रोक दिलन, और रोक दिले तो रोक दिले लेकिन सुन ले तय हमरे आगे बढ़े स्वस्थ मतलब रणनीति तैयार करो, 25 तारीख कर बाद हमरे मीटिंग है पूरा 24 जिला कर हमरे मीटिंग करो, पूरा जिला का सब साथी क्रांतिकारी साथी सब आवे और आगे उग्र आंदोलन पर हमरे रणनीति तैयार करो। प्रशासन रोकलन उठाकर साफ उद्देश्य के जो सरकार के डर लग जाए है, झारखंड में सब बटे आग लग रही है 1932 के खटियान लागू करो कोई फॉर्म, लेकिन सरकार पता नहीं कौन डरे है कि हमरे के हिंसा ले जाए के ही नहीं देते, और आरेक बात है कि सरकार के सिंहासन हिल जाए है एखन ना नहीं रखता, और आरेक बात है कि यदि सभी राज्य महीने हुआ के लोग के परिभाषित कोई रहे हुआ के लोग के सरकारी नियुक्ति मैंने करते, लेकिन हमारे झारखंड मैंने का करे नहीं करते, एटा के अपन मांग और सही मांग कर ले कोई हमारे अपन अधिकार मांगते, सरकार के भीख नहीं मांगते अपन अधिकार मांगते, लेकिन सरकार अपन अधिकार तो देख जला हमारे सबके बात नहीं सुनते, तो सरकार डरा जाए है सही चलते हमारे के विधानसभा घेराव तक पहुँचे नहीं देते, हमारे के यहाँ तमाम मैंने 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर 30 महीने रोक कर रखो थे, और झारखंड के यहाँ के लोग के जो मांग है पूरा हो सरकार के सिंहासन हिल जाए।